everyone. My name is Lakhpit Kaur and I'm student from LP University from BPS course. My registration number is 12019730. Today I would like to talk about gymnastics. Last video में मैं आपके लिए लेके आई थी football की warm up exercises और उसके भी last video में आपके लिए आई थी free hand exercises. But आज आपको मैं gymnastics के बारे में बताऊँगी. Gymnastics आजकल ज़्यादा popular हो रहा है but ancient time में इतना popular नहीं था. वो भी ज़्यादातर इंडिया में, ये ज़्यादातर फॉरन कंट्रीज में खेला जाता है लाइक स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील एंड यूके. एंड टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ जिमनास्टिक. तो मैं आपको जिमनास्टिक की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ दो वगैरह स्किल्स वगैरह बताऊँगी कि जिमनास्टिक की स्किल्स होती क्या है. फर्स्ट मैं आपको बेसिक से ही स्टार्ट करूँगी. फर्स्ट मैं आपको थोड़ी सी जिमनास्टिक की इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि जिमनास्टिक है क्या, और इसकी फेडरेशन वगैरह भी बता देती हूँ कि जिमनास्टिक की फेडरेशन कब फाउंड हुआ और इसके क्या क्या फेडरेशन होते हैं. फर्स्ट, जिमनास्टिक इज़ अ स्पोर्ट्स विच इंक्लूड्स अवर बॉडी फिटनेस, लाइक बॉडी का कोऑर्डिनेशन और अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ की, हमारी बॉडी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है. और जब ये एशियन टाइम में इतनी पॉपुलर नहीं थी बट फिर भी लोग इसे जिमनास्टिक को प्ले करते थे. बट मोस्टली एशियन टाइम में हमारे जो मेंस होते थे वही परफॉर्म करते थे. मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स प्लेड दिस गेम. बट नाउ ये गेम लड़कियाँ भी खेलती हैं, मतलब मेंस वुमेंस दोनों के लिए है. और मैं अभी आपको थोड़ा सा फेडरेशन के बारे में बता देती हूँ कि फेडरेशन कौन कौन से है जिमनास्टिक से. फर्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिमनास्टिक. ये फाउंड हुई थी 1881 में. इसका हेड क्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में. मैंने पहले ही आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये मोस्टली स्विट्ज़रलैंड, यूके या ब्रिटेन वगैरह में खेली जाती है. तो जो इसकी जो इंटरनेशनल जिमनास्टिक की फाउंड थी वो भी स्विट्ज़रलैंड में ही हुई थी जुलाई 23, 1881 में. अभी मैं आपको जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगी. फर्स्ट तो थी हमारी इंटरनेशनल जिमनास्टिक, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिमनास्टिक. वो तो उसके नाम से पता चलता है कि इंटरनेशनल है, मतलब अपने इंडिया की तो नहीं होगी, इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड की हो सकती है. बट अब आपको इस फेडरेशन के नाम से पता चल रहा होगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया में कब फाउंड हुई थी. ये इंडिया में 1951 में फाउंड हुई थी, वो भी न्यू दिल्ली में. होप अब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फेडरेशन के बारे में, क्योंकि मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन ही दिया. अभी मैंने इंट्रो भी बेसिक ही दिया, फेडरेशन का भी थोड़ा सा ही बताया. अभी मैं आपको थोड़ा जिमनास्टिक की क्लासिफिकेशन बता देती हूँ. फर्स्ट आर्टिस्टिक जिमनास्टिक, सेकंड रिदमिक जिमनास्टिक, थर्ड एरोबिक जिमनास्टिक, और फिर हमारे आती है पार्कर, और फिर आती है एक्रोबैटिक जिमनास्टिक्स. हमारी जो आर्टिस्टिक जिमनास्टिक होती है उसमें फ्लोर एक्सरसाइज आ जाती है, बॉमल होर्स आ जाता है, रिंग्स आ जाती हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स आ जाती है, पैरेलल बार्स आ जाती है, वॉल्टिंग टेबल आ जाता है. जो फ्लोर एक्सरसाइज होती हैं उसमें कोई ज़्यादा मतलब टाइम लिमिट नहीं होती, कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, बट उसमें मैट होता है जो हमारा होता है 12x12 meters होता है. जो फ्लोर एक्सरसाइज होती है उसमें हमें इतना मतलब इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, हमें जस्ट एक मैट की ज़रूरत होती है. उसकी जो हमारी लेंथ वेथ होती है वो होती है 12x12 meters. और जो हमारा पॉमल हॉर्स होता है उसका डिस्टेंस बिटवीन हैंडल्स का होता है 40 to 45 meters. एंड जो उसकी लेंथ होती है ना, टोटल लेंथ, वो होती है 1.60 meters. इसमें कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं होती, मतलब कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती. और हमारे रिंग्स, हमारी जो रिंग्स होती है उसकी हाइट होती है 5.80 meters टू, या उसको अगर हमें मीटर्स में देखना है 5.80 meters होती है वो. और इसमें जो हमारी रिंग्स होती है ना उसमें दो पोजीशंस बनती है, एक तो बनती है एल की, एक बनती है टी की, ये दो पोजीशंस बनती हैं. और जो हमारा वॉल्टिंग टेबल होता है उसकी हाइट होती है 1.35 meters मेंस के लिए होती है, और उसका जो रन भी होता है वो 25 meters होता है. इसमें एक स्प्रिंग टेबल भी होता है जिसपे हमें स्प्रिंग करके उसका जो रोल करना होता है. वेल नाउ टुडे आई एम गोइंग टू परफॉर्म अबाउट जिमनास्टिक्स. जिमनास्टिक में सिर्फ दो ही आपको स्किल्स करके दिखाऊंगी. फर्स्ट है फॉरवर्ड रोल, सेकंड है एनी एक भी स्केल होल्ड एक्सरसाइज, कोई भी स्केल होल्ड एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी. लेट्स गो. अभी जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि हमें फ्लोर एक्सरसाइज में इतना इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें बस बेसिक थोड़ा सा छोटा सा मैट की ही नीड है, कि हमें नीड मैट ही चाहिए क्योंकि हमें फॉरवर्ड रोल करना है ना, तो उसके लिए हमें मैट की नीड है. इफ़ आपके घर में जो योगा मैट है तो आप वो भी ले सकते हो. इफ़ आप अभी बेसिक ही ट्राई कर रहे हो ना, तो कोई भी चद्दर वगैरह दरी होती है ना अपने घर में, आप वो भी ले सकते हो. इसमें कोई इतना वो इशू नहीं है, बड़ा क्रिएट नहीं होना, क्योंकि अभी आप बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हो. अभी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि फर्स्ट करना कैसे है.
अभी मैं आपको फॉरवर्ड रोल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी, फॉरवर्ड रोल करके दिखाऊंगी कि फॉरवर्ड रोल करते कैसे। फर्स्ट जब भी हम कोई न्यू कोई भी चीज़ ट्राई करते हैं तो उसकी प्रिकॉशंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं पहले आपको इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ कि प्रिकॉशंस बता देती हूँ कि अगर हमें फॉरवर्ड रोल करना है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी नेक फ्लिप, क्योंकि अब आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो फॉरवर्ड रोल तो हमारी नेक फ्लिप हो सकती है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को टर्न आउट होना होता है ना, तो उसमें हमारा जो ज़्यादा वेट आता है हमारा नेक पे आता है, बिकॉज हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं है कि हाँ मतलब एयर में ही कर सके, बट जो हमारा ये बेसिक है ना, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा अपने बॉडी को थोड़ा देखना पड़ता है और इसमें नेक फ्लिप होने का ज़्यादा डर रहता है। सो बी केयरफुली अपने घर में, इफ़ आप ट्राई कर रहे हो तो आप पहले मतलब स्लोली स्लोली ही ट्राई करो। अभी मैं आपको फॉरवर्ड रोल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी कि वो करते कैसे हैं। अभी मैं आपको फॉरवर्ड रोल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी कि फॉरवर्ड रोल करना कैसे है। बस मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हमें अपनी पूरी बॉडी को मूव करना है, सो नेक फ्लिप होने का डर है, सो बी केयरफुली इफ आप घर में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो। फर्स्ट हमारी जो बॉडी है पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, उसके बाद हमारी जो बॉडी है अपने हाथ वो आगे आने हैं, क्योंकि हमें बॉडी को अपने आगे की तरफ लेके जाना है। तो फर्स्ट अपने हाथ आएंगे फ्लिप, दैट्स सिंपल। अभी मैं आपको थोड़ा स्लो में करके दिखाऊंगी कि स्लो में कैसे करनी है। रुक दो, हमें सिर्फ अपनी बॉडी को मूव करना है, सो स्लोली बी केयरफुली होके देखना, अपने थोड़ा इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेना, ठीक है। अभी मैं परफॉर्म कर रही हूँ, मैंने रिसेंटली आपको बताया फॉरवर्ड रोल, अभी मैं आपको मैंने दो बताई थी ना फॉरवर्ड रोल करके दिखाऊंगी और एनी स्केल होल्ड एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी। अभी मैं जो हमारी स्केल होल्ड एक्सरसाइज है उसमें हमारे जो अपनी लेग्स की पावर ज़्यादा लगती है। फर्स्ट हमारी जो बॉडी है वो हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, बट आपकी जिस लेग में ज़्यादा पावर है ना, हमने अपनी वो लेग ही अपनी जो नीचे रखनी है, ठीक है। हमारी बॉडी जो फर्स्ट स्ट्रेट होनी चाहिए और फिर हमारे जिस लेग में ज़्यादा पावर है, अब मेरी लेफ्ट में थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी मैं उस अकॉर्डिंग में आपको स्केल होल्ड एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी। यहाँ से धीरे धीरे मूव करनी है और अपनी जो आर्म्स है, आर्म्स की पोजीशन भी हमारी खुली होनी चाहिए, क्योंकि आर्म से हमारा थोड़ा बैलेंस बना रहता है। अभी आप देखना कि मैं कैसे कर रही हूँ। फर्स्ट बॉडी स्ट्रेट करना है, देन उसके बाद हमें धीरे धीरे अपनी बॉडी खोलनी है। सो दिस इज़ अ स्केल होल्ड एक्सरसाइज। तो अभी हमें जो हमारा स्केल होल्ड एक्सरसाइज है वो जो यहाँ पे होल्ड करनी है ना, वो हमें अभी स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में हमें एक दो सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। आई होप अब आप सबको फॉरवर्ड रोल और स्केल होल्ड एक्सरसाइजेस के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और जिमनास्टिक की फेडरेशन के बारे में भी, और जिमनास्टिक के बारे में भी थोड़ा बेसिक सा पता चल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।